सुधी फैलायू जेना शिक्षण नू छे तेज, दूर सुधी फैलायू जेना शिक्षण नू छे तेज, अमारु स्वाभिमान अमारी अमरोली कॉलेज, अमारु स्वाभिमान अमारी अमरोली कॉलेज। तापी तट पर उभू छे आ शिक्षण नु उपवन, एक बार आवो तो महके आखों आजीवन। तापी तट पर उभू छे आ शिक्षण नु उपवन, एक बार आवो तो महके आखों आजीवन। जीवन ना आनंद थी अहियां कोई नथी परहेज, जीवन आनंद थी अहियां कोई नथी परहेज, अमारु स्वाभिमान अमारी अमरोली कॉलेज, अमारु स्वाभिमान अमारी अमरोली कॉलेज। तरफ कुरुक्षेत्र ने कर्ण भूमि एक बाजू, बन्ने वच्चे ज्ञान नो फूल खिले छे ताजू। एक तरफ कुरुक्षेत्र ने कर्ण भूमि एक बाजू, बन्ने वच्चे ज्ञान नो फूल खिले छे ताजू। सौने हये स्थान छे नो हमेशा रहशे ज, सौने हये स्थान छे नो हमेशा रहशे ज, अमारु स्वाभिमान अमारी अमरोली कॉलेज, अमारु स्वाभिमान अमारी अमरोली कॉलेज। मोकड़ाश अजवास छलकता वर्ग अही छे, शिक्षण ने संस्कार भरियो एक स्वर्ग अही छे। मोकड़ाश अजवास छलकता वर्ग अही छे, शिक्षण ने संस्कार भरियो एक स्वर्ग अही छे। शिस्त ने समझणनी जोड़ी अही वर्षो थी छे ज, शिस्त ने समझणनी जोड़ी अही वर्षो थी छे ज, अमारु स्वाभिमान अमारी अमरोली कॉलेज, अमारु स्वाभिमान अमारी अमरोली कॉलेज। दूर सुधी फैलायू जेना शिक्षण नू छे तेज, दूर सुधी फैलायू जेना शिक्षण नू छे तेज, अमारु स्वाभिमान अमारी अमरोली कॉलेज, अमारु स्वाभिमान अमारी अमरोली कॉलेज, अमरोली कॉलेज, अमरोली कॉलेज। थैंक यू सो मच चिराग भाई। मेरे मित्र किशोर सिंह जी चावड़ा और अमरेली कॉलेज परिवार के सभी पदाधिकारी एवं इस वेबिनार में जुड़े सभी श्रोतागण, सभी को मैं हृदयपूर्वक नमस्कार करता हूं और सबका अभिनंदन करता हूं। Am I audible to all of you? Should I start? Yes, sir. Your voice is okay. Okay, fine. भगवत गीता ये भारत की पहचान है, भगवत गीता भारत का काव्य है, परिचय है। वास्तव में तो युद्ध मैदान पर दो सैन्यों के बीच में अर्जुन को कृष्ण ने गीता सुनाई। अब भारत के क्रांतिकारकों की प्रेरणा, जो देश के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़े, वो भगवत गीता रही है। हाथ में गीता की प्रति लेकर के और ओटों पर गीता का श्लोक, नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मतलब देह तो आती जाती है, आत्मा अमर है, उस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल भिगो नहीं सकता। ये हमारा तत्व ज्ञान। अंग्रेज तो
चकित हो गए थे कि ये 18-20 साल के नवयुवक फांसी के तख्ते पर खुद चढ़ जाते हैं, उस फंदे को चुनते हैं, जल्लाद को बाजू में खिसका कर खुद अपने हाथों से अपने गले में फांसी का फंदा डालते, कतराते नहीं है। दूसरों का खून करने वाले, गले काटने वाले खूनी भी जब सामने फंस जाते हैं उनको उठा करके ले जाना पड़ता है। तो ये जो सामर्थ्य था अपने क्रांतिकारकों का, ये गीता का तत्वज्ञान के कारण था। और आश्चर्य तो यह है कि अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी और विनोबा जी जैसे सत्याग्रहियों का भी प्रेरणा स्थान ये भगवद गीता ही रहा है। और स्वामी विवेकानंद ये गीता की पंक्ति युवकों को प्रेरित करने के लिए बार बार उद्धृत करते थे कि क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नई तत्व युपपद्यते, पार्थ नपुंसक की तरह व्यवहार मत करो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। ये विवेकानंद जी वाक्य भगवद गीता का भारत के युवकों को जगाने के लिए उपयोग करते थे। और आज के वर्तमान प्रधानमंत्री देश के बाहर जब जाते हैं तो रशिया के पुतिन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर शिंजो आबे हो या नेतान्याहू हो, विदेश के प्रमुख लोगों को भारत की तरफ से भेंट के तौर पर भगवद गीता देते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पास इसके अलावा देने के लिए और अच्छा कुछ नहीं, और उनके लिए पाने के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं। और आज इस अमरोली कॉलेज के वेबिनार के मौके पर इससे भी दो कदम आगे जाकर के मैं ये कहूंगा कि जैसे समूचे विश्व ने 21 जून को योग को पूरी दुनिया के लिए एक होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच के नाते से अपनाया, स्वीकार किया, वैसे पूरी दुनिया आने वाले 2-3 सालों में ही भगवद गीता को मानवता का मार्गदर्शक ग्रंथ इस नाते से स्वीकार करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जिस कदर दुनिया अणुअस्त्रों के पीछे पड़ी है, जिस तरह पर्यावरण का विनाश हो रहा है, जिस तरह बढ़ती हुई तांत्रिक प्रगति, तंत्र ज्ञान की प्रगति को झेलने के समय हम लोग एक दुविधा में महसूस कर, जिस तरह ये कोरोना वायरस मानव निर्मित कहा जाता है पूरी दुनिया को चपेट में लेकर दुनिया, लेकिन अब सवाल यह आता है कि मैंने तो युद्ध नहीं करना, मैंने योगी भी नहीं बनना, मैं तो किसान हूं, विद्यार्थी हूं, कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर हूं या राजकीय नेता हूं, धार्मिक पुजारी हूं, तो मुझे गीता से क्या लें? तो ये सारे वेबिनार का उद्देश्य ये है कि केवल कृष्ण नहीं सुनाई गई, कृष्ण तो अर्जुन के लिए गीता नहीं सुनाई गई, अर्जुन तो बहाना है। वी आर ऑल लकी दैट अर्जुन आस्क सो मेनी क्वेश्चंस एंड सो मेनी सब क्वेश्चंस एट द नॉलेज, द नेक्टर ऑफ नॉलेज डिसेंडेड ऑन दिस प्लैनेट फॉर अर्जुन, वाई अर्जुन फॉर अस, हम लोगों के लिए गीता है। अब एक बिल्कुल सीधा साधा मार्गदर्शक सिद्धांत भगवद गीता क्या कहती है लीडरशिप के लिए। गीता कहती है यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्त देवे तरो जनः, जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है लोग उसका अनुसरण करते हैं। अब नेतृत्व का मतलब यह नहीं कि कोई सफेद टोपी पहन करके मंच पे जाकर के भाषण देने वाला राजकीय नेता, वो एक डायमेंशन, लेकिन मैं परिवार का प्रमुख हूं तो मैं भी नेतृत्व करता हूं, मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूं तो भी मैं नेतृत्व करता हूं, मैं लायंस क्लब का सेक्रेटरी हूं तो भी नेतृत्व है, मैं किसी कास्ट का प्रमुख हूं तो भी नेतृत्व है, मैं कोई रेसिडेंशियल सोसाइटी का सेक्रेटरी हूं वो भी नेतृत्व है, स्कूल का शिक्षक भी नेतृत्व करता है। तो इसमें अपनी कृति ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं क्या बोलता हूं इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मैं क्या करता हूं। भारत देश के बिजनेस विश्व में सबसे ऊपर और सबसे अच्छा, सबसे रिस्पेक्टफुल नाम है टाटाज का, बाकी लोग कम अधिक व्यावसायिक है, पैसे कमाने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सोशल वर्क टाटाज ने किया है। ज्ञानी टाटा के बारे में मैंने सुना कि जब नेल्को के चेयरमैन के नाते उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, एक बार नेल्को की सारी टीम और ज्ञानी टाटा नासिक जाने के लिए एक व्हीकल में निकले, टाटा कंपनी का ही व्हीकल था, रास्ते में जाते जाते कहीं अचानक टायर फट गया तो प्रवास खंडित हो गया,
आगे बढ़ना रुक गया, अब टायर स्टेपनी से रिप्लेस हो तब तक समय सबको मिल गया। तो कुछ लोग गपशप में लग गए, नीचे उतर करके कोई चाय ढूंढने के लिए निकल गया, कोई स्मोकिंग करता था तो उसने अपनी सिगरेट सुलगाई और सब अपने अपने काम में उलझ गए। एक 10-12-15 मिनट के बाद सब लोग जब उस व्हीकल के पास आए तो रतन टाटा खुद ड्राइवर की मदद कर रहे थे। जैक से उन्होंने गाड़ी को चढ़ाया, ट्रक उसका टायर निकाला, स्टेपनी वहां फिट की, उसकी हवा चेक की, अपने स्लीव्स को ऊपर करके टायर बाजू में करके पसीने के बूंदों से तरबतर ऐसे स्वयं रतन टाटा काम में लगे हैं। अब ये दृश्य नेल्को की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने देखा कि वी वेर अनकंसर्न एंड वी वेर बिजी एंड एंजॉइंग अवरसेल्स एंड पासिंग टाइम व्हाइल द चेयरमैन ऑफ अवर ग्रुप हिमसेल्फ वाज स्टैंडिंग बिसाइड द ड्राइवर हेल्पिंग हिम टू रिप्लेस द टायर। ये जो नेतृत्व की झलक उन लोगों ने देखी तो पता चलता है कि नेतृत्व जैसा है वैसे पूरे समूह का स्वभाव होता है। बिरलास ने पैसा खर्च किया मंदिर बनाने के लिए और टाटास ने खर्च किया एनजीओ के माध्यम से साइंटिफिक प्रगति के लिए, समाज की कमियां दूर करने के लिए। तो भगवद गीता का ये गाइडलाइन उसमें है कि प्रमुख व्यक्ति जैसे सोचता है वैसे पूरी संस्था सोचती है। अब देखिए अपने चावड़ा सर ने क्या कल्पना की कि लोग अपने घर में बैठे हैं, वेबिनार के माध्यम से उनको कम से कम एक अच्छा ज्ञानामृत पिलाया जा सकता है, ये बाकी कॉलेजेस ने नहीं किया। तो प्रमुख व्यक्ति जैसे सोचता है वैसे संस्था की सोच बनती है, ये भगवद गीता ने कहा। ये मेरे लिए उपयोगी है अगर मैं किसी संस्था में प्रमुख हूं, मेरे लिए उपयोगी है। सभी के लिए उपयोगी सिद्धांत भगवद गीता में है। देखिए एक मूलभूत बात यह है कि मैं आदमी के नाते अपना धर्मशास्त्र कहता है कि मैं कुत्ता बिल्ली कौवा भी हो सकता था, मैं आदमी के नाते जन्मा। अब फर्क क्या है? एक तो ऊपर ऊपर का है कि आदमी कपड़े पहनता है, प्राणी कपड़े नहीं पहनता है। आदमी अलग अलग आवाज में भाषा बोल सकता है, प्राणी नहीं बोल सकता। आदमी को बुद्धिमत्ता अधिक है, प्राणी की बुद्धिमत्ता मर्यादित है। और इसलिए आदमी का शरीर सबसे ज्यादा वजनदार भी नहीं, सबसे चपल भी नहीं, सबसे हिंस्त्र भी नहीं। एक शेर के सामने आदमी कितना टिक पाएगा? लेकिन बुद्धिमत्ता के आधार पर आदमी सारे प्राणियों पर अपनी सत्ता जमाता है। लेकिन उससे भी मूलभूत एक फर्क है कि एनिमल्स लिव इन द केज ऑफ बायोलॉजी, दे कैनॉट कम आउट ऑफ इट। मैन हैज चॉइस एंड चॉइस हैज मेड अ डिफरेंस। जैसे आप किसी जू में जाइए और शेर के पिंजरे के बाहर खड़े होकर के उसको वो मकाई का भुट्टा दीजिए, ले ले खा ले, अमेरिकन है खा ले, वो नहीं खाएगा। या किसी भैंस के पास जाकर के उसको फ्राइड फिश खिलाइए, वो नहीं खाएगी। द गाइडलाइन हैज बीन रिकॉर्डेड एंड एस्टेब्लिश्ड, दे कैनॉट क्रॉस दैट गाइडलाइन। कुदरत के नियमों के बाहर प्राणी जा ही नहीं सकता, मनुष्य जाता है। दैट इज वाई ह्यूमन बींग लिव्स बाय चॉइस। नाउ दिस चॉइस हैज टू आउटलेट्स, वन अपवर्ड डायरेक्शन, अनदर डाउनवर्ड डायरेक्शन। आदमी को नर कहते हैं, नर करने ही करे तो नर का नारायण हो जाए ये कहते हैं, मतलब नर से नरोत्तम और नरोत्तम से नारायण, ये ऊपर जाने का रास्ता भी निकलता है और नर से नर पशु और नराधम और नर राक्षस के नीचे जाने का रास्ता भी निकलता है। प्राणी के लिए ये दो रास्ते नहीं है। कोई सिंह अगर हिरन का शिकार करे और उसके गले की नस को चबाए, उसका खून पिए, इसलिए उसको कोई दुष्ट क्रूर अपराधी खूनी ऐसा नहीं कहता, वो तो सिंह है। वैसे ही कोई बैल किसान के खेत में काम करे, किसान के घर पे अनाज की राशि खड़ी कर दे, लेकिन इसलिए कोई बैल को महान बैल या बैल के पुतले बनाओ या उसकी फोटो दीवार पर लगाओ ऐसा नहीं कहता। तो प्राणी में न कोई महान होता है न कोई नीच होता है, लेकिन आदमी में ये दोनों दिशाएं संभव है। इसलिए कहते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच में बी इज फॉर बर्थ एंड डी इज फॉर डेथ, इन बिटवीन बी एंड डी देर इज सी फॉर चॉइस, एंड चॉइस डिसाइड्स द डेस्टिनी ऑफ ए पर्सन एंड चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
And Bhagavad Gita guides you how to make a choice, and that is why Gita is practical handbook for humanity. Gita kya kehti hai? Gita kehti hai ki uddharet atmanatmanam natmanam avasadaye atmaiva yatmano bandhur atmaiva ripuratmana. Yani, you are the only person responsible for your lot. Don't blame your parents, family, society, social media, schools, anything. Just shoulder the responsibility of the set of circumstances that are around you. You are the only person responsible. Unless you accept that responsibility on your shoulders, nothing would change. आदमी का स्वभाव बन गया है कि दोष दूसरे के सिर पर थोपना और क्रेडिट अपने आप पर लेना. भगवद गीता कहती है कि यू आर द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रोग्रेस एज वेल एज योर डिग्रेडेशन. अब ये समझने जैसा है. अब आदमी के जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर सीधी साधी भाषा में बात की जाए तो उद्देश्य है सुख पाना. लेकिन गीता गाइडलाइन करती है इसमें भी कि सुख क्या है. सुख के पहले सोचे कि आदमी क्या है, मैं क्या हूं. तो मैं कहता हूं कि मैं गिर पड़ा, तो मतलब मैं अपने आप को शरीर से जोड़ता हूं. मैं बहुत खुश हुआ तो मैं अपने आप को मन से जोड़ता हूं. मेरे दिमाग में विचार आया तो मैं अपने आप को बुद्धि से जोड़ता हूं. ये अपने अस्तित्व के अलग अलग स्तर है. सुख क्या है? तो मुझे गुलाब जामुन बहुत भाते हैं, गुलाब जामुन खाने में मुझे सुख लगता है. लेकिन सुख के लिए गुलाब जामुन खाते समय मेरा मन भी उस गुलाब जामुन के साथ जुड़ा होना चाहिए. मान के चलिए मैं सुबह उठ करके नाश्ता कर रहा हूं. आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट मैसूर मसाला डोसा विच आई एंजॉय अलॉट. और उतने में फोन आता है कि मेरा दोस्त रास्ते में जाते हुए एक्सीडेंट हो गया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है. ओ पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है. Now the test has not changed. The dish is same, but I don't enjoy it anymore because my mind is now not connected to dosa, but to my friend, and it is wavering. It is going there, and it is worried about my friend's health. तो शरीर से भी ऊंचा मन है, ये गीता कहती है कि अपना शरीर है उसकी ऊंचाई पर अपना मन है, लेकिन उसके भी आगे अपनी बुद्धि है. आर्किमिडीज की घटना सबको पता है कि राजा ने कहा था कि इस सोने की शुद्धता को ढूंढ के निकलना है. और स्नान करते समय आर्किमिडीज के मन में विचार आया कि इस ढंग से ये सोने की शुद्धता को जांचा जा सकता है. तो वैसे ही अपने भीगे शरीर से, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं, नग्न अवस्था में यूरेका यूरेका ऐसे दौड़ते हुए आर्किमिडीज राजा के दरबार में गया. इतना बुद्धि का आनंद होता है, कोई गुत्थी सुलझती है, कोई शास्त्र ने अगर खोज करता है तो इतना आनंद होता है. और इसके परे फिर आनंद है आत्मा का. गीता कहती है इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सा. इंद्रियों के आनंद से भी मन का आनंद ऊंचा है, मन के आनंद से बुद्धि का आनंद ऊंचा है, और बुद्धि के परे जो है वो आत्मा का आनंद है. आदमी किस आनंद के स्तर पर रहता है वो उसकी वास्तविक ऊंचाई है. जो केवल शरीर के स्तर पर रहता है उसको खाना सोना और सेक्स, इसी में ज्यादा आनंद आता है. जो उसके थोड़ा ऊपर उठता है उसको हॉबीज, दोस्त और सेल्फलेस सर्विस, इसमें आनंद आता है. उससे ऊपर जो उठता है उसको रिसर्च एंड साइंटिफिक सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स, उसमें ज्यादा आनंद आता है. लेकिन उसके पर भी जो उठता है ऊपर, संत पुरुष, उसको आनंद दूसरों के लिए दुख सहन करने में आता है. महाराष्ट्र के संत हो गए संत तुकाराम, और उन्होंने देखा कि शाम का समय और एक गर्भवती महिला गांव के एक कुएं में कूद करके आत्महत्या करने को प्रवृत्त. महाराज संत स्वभाव के तीर की तरह दौड़े, उसकी कलाई पकड़ करके उसको पीछे खींचा, उसको पूछा कि हे आर्य, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही हो? जीवन यह भगवान की दी हुई अनमोल देन है और उसको कुएं में कूदकर नष्ट क्यों कर रही? और तुम्हारे पेट में तो बालक है, उस बालक ने तो दुनिया देखी भी नहीं, उसका क्या कसूर है? तो उस महिला ने कहा कि महाराज, पेट में जो बच्चा है
उसका बाप कौन ये मैं सबको बता नहीं सकती। व्यभिचार हो गया, चरित्रहीनता हो गई और वो तो चला गया, गांव छोड़ के भाग गया और मेरे पेट में ये बीज डाल करके गया। अब ये बच्चा पैदा होगा तो क्या मुंह दिखाऊंगी, उसके पिता का क्या नाम बताऊंगी। तो संत तुकाराम महाराज ने कहा कि अगर यही समस्या है जो तुम्हें आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त कर रही है तो तुम मेरा नाम बता देना कि तुकाराम ये इस बच्चे का पिता है। अब पहला जोश तो समाप्त हो गया था, तुकाराम महाराज ने उसको पकड़ करके पीछा खींचा था और एक रास्ता भी दे दिया था, तो जैसे तैसे उसके मन को उसने समझा करके वापस अपने घर चली गई। काल क्रम के अनुसार 3 महीने में जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने कहा कि संत तुकाराम ये मेरे बच्चे का पिता है। अब गांव में जो लोगों को संत तुकाराम के बारे में जलन होती थी उन्होंने तो छींची थू थू करना, कीचड़ उछालना शुरू कर दिया कि ये कौन सा संत, ये कौन सा विठ्ठल भक्त, देखो इसने क्या कर डाला, देखो कैसे चरित्रहीन। लेकिन संत तुकाराम एक शब्द भी नहीं बोले, सारा जहर उन्होंने अपने गले के नीचे निगल लिया, उतार लिया। 3-4 महीने बीत गए, वो बच्चा थोड़ा रेंगने लगा, थोड़ा आगे पीछे दौड़ने लगा, थोड़ा खिलखिलाकर हंसने लगा, तो उसकी माँ को ये विचार आया कि मेरी और मेरे बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए जिस संत ने अपने सिर पर सारा दोष ले लिया, वो संत की सब लोग निंदा कर रहे हैं और मैं चुप बैठूं, ये कैसे ठीक है। तो उसने सारे गांव में जाकर के बता दिया कि संत तुकाराम तो गंगा जल की तरह पवित्र पहले भी थे, आज भी है, ये तो सारा मेरा ही कसूर था और जिसने किया वो तो भाग गया मुझे छोड़ करके, झूठे प्रेम का बहाना दिखा करके, शरीर का उपभोग करके वो भाग गया, लेकिन मेरी जान बचे इसके लिए संत ने अपने सिर पर ये सारा इल्जाम ले लिया। अब ये है आत्मा का सुख, जो वास्तव में तो शरीर को भी दुख है, मन को भी दुख है, लेकिन किसी का उद्धार हो रहा हो तो मैं उस दुख को सहन करने के लिए तैयार हूं, ये आत्मा का सुख है। और भगवद गीता कहती है कि आदमी किस तरह के सुख को प्राथमिक देता है, प्राथमिकता देता है, उस स्तर पर उसका चरित्र है। और एक भगवद गीता कहती है जो समझने में लोगों को थोड़ी मुश्किल जाती है, जिसको कर्मयोग कहते हैं। ये कर्मयोग क्या है समझने जैसा है। गीता कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। मतलब कर्म में ही तुझे अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। कुछ लोग उसका भाषांतर ऐसा करते हैं कि कर्म में तेरा अधिकार, फलों की अपेक्षा मत करो। अपेक्षा यह शब्द गीता में नहीं, अधिकार शब्द है। जैसे अगर आप छात्र हैं तो आप प्रश्न पत्रिका लेकर के उत्तर पत्रिका लिख देते हैं, उत्तर पत्रिका में क्या लिखना यह आपका अधिकार है, लेकिन मार्क्स देना यह आपका अधिकार नहीं, ये तो जो जांच करेगा उसका अधिकार है, है ना। अगर आप वकील है तो कोर्ट में आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, वो आपका अधिकार है। संविधान के संदर्भ देंगे, वो आपका अधिकार है। जज के सामने पैरवी करोगे, वो आपका अधिकार है, लेकिन जजमेंट देने का अधिकार तो जज का है। और एक बात कि 2 आंखें आपको दी भगवान ने, एक आंख अगर आपकी फल पर रहेगी तो जो कर्म है उस पर आपकी एक ही आंख रहेगी। If you take care of the process, the product shall take care of itself automatically. So just focus on how you work qualitatively and the end result shall take care of itself. ये इसका मतलब है। और एक समझने जैसा है कि कौन सी भी कृति का मूल्यांकन हम कैसे करें, तो उसके उद्देश्य पर से करें। उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा अगर बीमार पड़ गया तो उसकी माँ उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। अब डॉक्टर जांच पड़ताल करके निश्चित ये करता है कि उस बच्चे को इंजेक्शन देना पड़ेगा, मलेरिया हो गया है। अब जैसे ही डॉक्टर वो सिरिंज निकालता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है और डॉक्टर उस सिरिंज में से वो इंजेक्शन की पिचकारी निकालता है तो बच्चा हाथ पैर झाड़ना शुरू करता है। अब एक तरफ से नर्स उस बच्चे के हाथ पकड़ती है, दूसरे की तरफ से उसकी माँ उसके पांव पकड़ती है और डॉक्टर उसके कमर में उस इंजेक्शन की सीरीज को गुजरता है। अब जिसको इंजेक्शन पता नहीं, जिसको मेडिकल साइंस पता नहीं, ऐसे कोई बिल्कुल गवार आदमी उसको लगेगा क्या रे कितने क्रूर लोग हैं,
कितना वो बच्चे को पीड़ा दे रहे, वो बच्चा रो रहा चिल्ला रहा लेकिन उसको हाथ पैर झाड़ने का भी सुख नहीं और वो इंजेक्शन की सुई उसके कमर में घुस गई। मगर माँ या डॉक्टर दोनों के मन में उस बच्चे का हित और उन्हें पता है कि अभी ये दर्द नहीं दिया गया तो बच्चे को और ज्यादा तकलीफ भविष्य में होगी। तो गीता क्या कहती है कि कर्म का उद्देश्य देखो और उस पर से उसका मूल्यांकन करो। अपने गुजरात के शहाबुद्दीन राठौड़ बहुत अच्छे लेखक मुंबई गए थे, बोले मैं तो ट्रेन में प्रवास करता, गरीब आदमी पैसे ज्यादा नहीं टैक्सी को देने के लिए इसलिए ट्रेन में घुस गया, मुझे जाना था कल्याण से घाटकोपर और डब्बे में लोगों को बोल दिया कि भैया मैं तो गुजरात का आदमी हूं गांव का आदमी हूं मुझे घाटकोपर आते ही बोल देना मैं उतर जाऊंगा। अब मुंबई की लोकल उसकी भीड़ उसकी रेलम ठेल, अब और उसमें एक आदमी ने कहा कि काका आप तो गलत ट्रेन में चढ़ गए, ये ट्रेन घाटकोपर रुकती नहीं है, ये तो फास्ट लोकल है, अब आपको अगले स्टेशन जाकर के धक्का खा करके दूसरी ट्रेन में वापिस आना पड़ेगा, लेकिन काका आपका नसीब अच्छा है, मौका आपको है, घाटकोपर में रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है और आप अगर संतुलन बना करके कूद जाओ प्लेटफॉर्म पर तो फिर आप घाटकोपर रेलवे स्टेशन से बाहर निकल सकते हो। ट्रेन स्लो हो जाती है लेकिन एक छोटा सा आपको सलाह कि ट्रेन चलते हुए अगर गाड़ी से कूदते हैं तो थोड़ा दौड़ना पड़ता है, एकदम से कूद के रुक गए तो गिर सकते हो तो थोड़ा दौड़िए। तो बोले मैंने भी ये सोचा कि चलो अच्छा है देखते हैं, अगर स्लो हो गई और अगर अपने को जमता है तो कर लेंगे, तो वास्तव में स्लो हो गई और दरवाजे के पास का बार पकड़ करके और अपने आप को संतुलन साध करके प्लेटफॉर्म पे छलांग मार दी और थोड़ा दौड़ा। अब लोगों ने यह कहा था कि थोड़ा दौड़िए मगर कितना दौड़िए ये नहीं कहा था, तो थोड़ा दौड़ा, थोड़ा ज्यादा ही दौड़ा, अचानक क्या हो गया पता नहीं चला, किसने मेरी कलाई पकड़ करके मुझे डब्बे के अंदर खींच लिया और कहा कि काका तुम्हारा नसीब अच्छा। मैंने कहा कैसे अच्छा? बोले काका ये गाड़ी इस स्टेशन पर रुकती नहीं है लेकिन मैंने आपको डब्बे के बाजू में दौड़ते हुए देखा, मुझे ऐसा लगा कि काका को मदद करनी चाहिए, तो मैंने अपने सिर पे हाथ लगाया, मैंने कहा अरे भैया मैं तो इसी गाड़ी में था, चलती गाड़ी से उतरा लेकिन डब्बे के लोगों ने कहा कि उतरने के बाद थोड़ा दौड़ना इसलिए दौड़ रहा था, तो आपने कलाई पकड़ करके मुझे खींच लिया अंदर। तो उसने अपने कान पकड़े बोले काका अब आपको धक्का खाना पड़ेगा, अगले स्टेशन पर से जाकर वापिस आना पड़ेगा, लेकिन काका मेरा उद्देश्य आपको मदद करने का ही था, मेरा उद्देश्य आपको तकलीफ देना नहीं था। कहने का तात्पर्य क्या है कि उद्देश्य क्या है उस पर से कृति का मूल्यांकन कीजिए। और एक चीज है ये भी समझने जैसा है, गीता कहती है कर्मणोपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणोपि बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अब ये थोड़ा समझने जैसा है कि बुरे काम और अच्छे काम ये दोनों आदमी करता है, बुरे काम के बुरे फल ये कांट गेट रिड ऑफ इट, अच्छे काम के अच्छे फल आपको मिलेंगे ही, नोबडी कैन स्टॉप इट, मगर ये दोनों अकाउंट अलग अलग है, यू कैनॉट टैली इट एज यू टैली इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, नो, बुरे काम करोगे उसके बुरे फल भुगतने ही पड़ेंगे, अच्छे काम करोगे उसके अच्छे फल मिलेंगे ही मिलेंगे, बट यू कैनॉट बैलेंस ऑल योर बैड एक्शंस विथ योर गुड एक्शंस, यू कैन टू सम एक्सटेंट। वो भी कैसे कि जैसे पैर में कांटा घुस गया तो दूसरा कांटा निकाल करके लेकर के पहला कांटा हम लोग निकाल देते हैं, लेकिन पहला कांटा निकालने के बाद दोनों कांटे फेंक देते हैं, दूसरा कांटा अच्छा पहला कांटा बुरा इसलिए दूसरा निकालने के बाद पहला जख्म में डाल दिया, ऐसा नहीं करते हैं। तो गीता ये कहती है कि अच्छे काम में भी हम लोग इफ वी गेट एंटेंगल्ड इन गुड एक्शंस आल्सो देन इट आल्सो क्रिएट्स अ बॉन्डेज। एक बढ़िया प्रसंग मैंने गुजरात के एक मैगजीन में पढ़ा था कि केरल में एक बुढ़िया 80 साल की उम्र घर में अकेली थी, बाकी सब लोग घर के गुजर गए थे, किराए के मकान में रहती थी और घर मालिक परेशान हो गया, 3 महीने हो गए बुढ़िया ने किराया नहीं दिया भाड़ा ही नहीं दिया। अब उसने कहा कि जो तुम्हारी स्थिति वो मैं जिम्मेदार नहीं,
अगर अगले महीने भाड़ा नहीं आया तो तुम्हारा सामान बाहर फेंक दूंगा। अब क्या करती बिचारी, उसने भगवान को एक खत लिख डाला कि ये विष्णु भगवान, मैं अकेली हूं, घर में कोई नहीं, पैसे नहीं कमा सकती, घर मालिक घर से निकाल देगा, तू मदद करना, पैसे भेजना, तू पूरी दुनिया का त्राता है, दाता है, तू इस बुढ़िया की मदद करना। और उस पर पता लिख दिया भगवान विष्णु वैकुंठ और पोस्ट के डब्बे में डाल दिया। अब केरल के मुख्य पोस्ट ऑफिस थिरुवनंतपुरम की एक टोकरी के जिसमें द लेटर्स हुज एड्रेस वॉज नॉट फाउंड, ऐसी टोकरी में वो पत्र एक पोस्ट पर देखा। उसने उस पत्र को पढ़ा तो उसको मन में करुणा हुई, उसका दिल पसीज गया। उसने सारे पोस्ट ऑफिस के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो भैया, ऐसे ऐसे एक पत्र आया है, बुढ़िया ने भगवान पर श्रद्धा रख करके उसको पत्र लिखा है, उसको 1,500 रुपए की आवश्यकता है, मेरे तरफ से मैं 50 रुपए देता हूं। तो किसी ने 25 निकाले, किसी ने 100 रुपए का नोट निकाला, ऐसे करते 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 पूरे स्टाफ का इकट्ठा फंड हो गया 1400 रुपया, 1400। तो बोले चलो ठीक है, बुढ़िया का काम बहुत हद तक हो जाएगा, मांगे थे 1500 लेकिन भेज दिए 1400। अब सब लोग खुश हो गए, अच्छा काम किया, बुढ़िया को मदद हो गई, भगवान पर भरोसा करके पत्र लिखा था, उसको पैसे चले गए, इसलिए सब लोग खुश थे। एक महीने के बाद उसी पोस्टमैन को उस टोकरे में फिर से दूसरा पत्र मिला जिस पर पता वही लिखा था भगवान विष्णु वैकुंठ। उसको लगा बुढ़िया ने धन्यवाद पत्र लिखा होगा और इसलिए उसने सबको इकट्ठा किया और पत्र जैसे पढ़ा, जैसे जैसे वो पढ़ते गया सबके चेहरे उतर गए। पत्र में बुढ़िया ने लिखा था कि हे विष्णु भगवान, तू तो बड़ा दयालु है, तूने मेरे लिए 1500 रुपए भेजे होंगे लेकिन ये पोस्ट के लोग बड़े चोटे हैं, उन्होंने 100 रुपए निकाल दिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अच्छे काम भी निर्लेप भाव से करें। अपने यहां क्या कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। तो भगवद गीता यही समझाती है कि अच्छे काम के बाद में भी जो लालसा मन में निर्माण होती है वो लालसा उन अच्छे काम के पुण्य को ग्रहण लगा देती है। आदमी मंदिर में भी पैसे देकर के अपनी तख्ती लगाना चाहता है तो निर्लेप भाव से अच्छे काम करना, ये भगवद गीता कहती है। अपना देश सेक्युलर देश है और अपने देश में धर्म के नाम पर दूसरों को कन्वर्ट करना यह स्वभाव नहीं है अपना। भगवद गीता ने कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, यानी जो जिस मार्ग से मेरी उपासना करता है मैं उसी मार्ग से उसको मिलता हूं। अब यह समझने जैसा है, इसलिए अपने देश में धर्म कभी संप्रदाय नहीं बना, डोगमा नहीं बना, मेरी ही बात सही है, तुझे मैं काट डालूंगा, मार डालूंगा, जला दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा, ये भारत ने कभी नहीं किया। विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे तो उन्होंने कहा कि ऑल रिलीजन्स आर स्टैंडिंग ऑन द पेरिफेरी एंड गॉड इज एट द सेंटर, सो द शॉर्टेस्ट रूट टू रीच गॉड इज वाया रेडियस, सो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट योरसेल्फ। ये भारत का विचार है। इसलिए एक ही परिवार में, कोई स्वाध्याय परिवार में जाता है तो कोई स्वामीनारायण भगवान को पूजता है, तो कोई गायत्री परिवार को मानता है, तो कोई और किसी संप्रदाय में चले जाता है। अपने यहां कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि गीता ने कहा है कि जहां भी कुछ कुछ अद्भुत दिखाई दे तो ये मेरा ही अंश है, ऐसे मान के चलना। ये समझने जैसा है कि कहीं अद्भुत अकल्पनीय विराट ऐसा दृश्य दिखाई दे तो तुम यही समझ के चलना कि यह उसी ईश्वर का अंश है। यद्यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमदुर्जितमेव तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजंश संभव, जो महावीर में है, जो बुद्ध में है, जो नानक में है, जो मोहम्मद पैगंबर में है, जो ईसा में है, वो एक ही ईश्वर के अंश है, ऐसे गीता ने कहा है। और इसलिए भारतीय आदमी को सेक्युलरिज्म की आवश्यकता नहीं है, भारतीय आदमी के डीएनए में सेक्युलरिज्म भगवद गीता ने दिया है। और एक नेशनल गाइडलाइन वी मस्ट लर्न फ्रॉम भगवद गीता विच वी मिस्ड, द गाइडलाइन गिवन बाय भगवद गीता वॉज मिस्ड बाय वी पीपल, पीपल ऑफ इंडिया। गीता के 16वें अध्याय में दैवी गुणों का वर्णन है,
कि दैवी गुण कौन से, अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दम यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव, ये दैवी गुण है और इसी गुण में अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग ये सारे गुण आते हैं। मतलब अहिंसा ये गुण भगवत गीता ने कहा है कि दैवी गुण है और अपने देश में भी अहिंसा का बहुत ज्यादा प्रचार हुआ। एक इसमें केवल गुत्थी है जो समझने जैसी है कि भगवत गीता कहती है कि पहला गुण है अभय, फियरलेसनेस। फियरलेसनेस कम्स आउट ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग मसल पावर एंड स्ट्रॉन्ग सॉलिडेरिटी ऑफ द सोसाइटी। ये हमने मिस आउट किया। मान के चलिए कोई गरीब आदमी है और सादगी का बहुत प्रचार करता है कि मैं तो सादगी में ही मानता हूं, सभी ने सादा ही रहना चाहिए और सादा जीवन उच्च विचार रखना चाहिए, तो लोग हंसेंगे, अरे आप वैसे भी गरीब हो, सादगी के अलावा आपका और चारा भी क्या है। सिंप्लिसिटी इज नॉट योर चॉइस, इट इज योर कंपल्शन, नोबडी वैल्यूज इट। अगर कोई दुबला पतला दुर्बल आदमी और वो अहिंसा का प्रचार करता है कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं किसी की बुराई नहीं करता और मैं तो केवल भलाई करता हूं, तो लोग कहेंगे कि अदरवाइज ऑल्सो यू आर सो फीबल, यू कांट डू हार्म टू एनीबडी, इट इज नॉट योर चॉइस, इट इज योर कंपल्शन। एज लॉन्ग इट इज नॉट योर चॉइस, इट इज नॉट वैल्यूड बाय द सोसाइटी। हिंसा करने का सामर्थ्य है उसी की अहिंसा को लोग मानेंगे। तो हिंसा अहिंसा ये समझने जैसा है। अहिंसा महावीर को ही शोभा देगी, तो अहिंसा पालन करने पहले महावीर होना पड़ेगा, पराक्रमी होना पड़ेगा, बलशाली होना पड़ेगा। हम बलशाली हुए ही नहीं, हमने अहिंसा का इतनी तूती बजाई कि देश आजाद होने के बाद में भी कुछ लोगों ने ऐसे सोचा कि हम तो पंचशील है, हम तो सफेद कबूतर उड़ाते हैं, हम किसी पर आक्रमण ही नहीं करने वाले, तो कोई हम पर आक्रमण क्यों करेगा। इसलिए अपने आर्मी नेवी एयरफोर्स की आवश्यकता भी क्या है, शस्त्र निर्मित की आवश्यकता भी क्या है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा अपने नेहरू जी ने लगाया, पंचशील करार किया, लेकिन चीन ने बाएं हाथ से शिखेंड किया और दाहिने हाथ से पीठ में खंजीर घोप दिया, पूरा देश लहूलुहान हो गया। 1962 में हिमालय लांघ करके चीन ने भारत पर आक्रमण किया, भारत की पराजय हुई और भारत की 163,000 वर्ग मील भूमि चीन निगल गया। आज हमारा मानस सरोवर है, वह जाने के लिए चीन की परमिशन लगती है। ये क्यों हुआ? तो गीता का जो संदेश है कि पहले निर्भय बनो, निर्भय बनने के लिए बलशाली बनो, बलशाली बनने के लिए शस्त्र संपन्न बनो, ये हमने भुला दिया। तो गीता के मार्ग पर चलेगा तो भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। गीता क्या कहती है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपा केच पंडिता समदर्शिना। इसको समझने जैसा है। समदर्शी कौन है, यानी पंडित कौन है? कि जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं है। एक तरफ अपने समाज ने भेदभाव बहुत पालन किए, ऊंची ज्ञात नीति ज्ञात छूत अछूत, ये भेदभाव बहुत पालन किए। गीता क्या कहती है? सॉरी, जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं, कोई बहुत विद्वान ब्राह्मण हो या कुतिया हो या चांडाल हो या हाथी हो, इसमें किसी के मन में कोई भेदभाव नहीं, ये सारे समान है, ऐसे जो मानता है वो पंडित है। जिसको इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल बोलते हैं, जिसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ये भारत के विचार में इसी कारण से आया। हमारे यहां शिव जी का वाहन बैल है, पार्वती का वाहन शेर है और गणेश जी का वाहन चूहा है और लक्ष्मी जी का वाहन उलूक है। हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, वटवृक्ष की पूजा करते हैं, घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, आम के पत्तों का तोरण लगाते हैं। ये हमारी लाइफस्टाइल ज्यादा बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की लाइफस्टाइल है, ये भगवद गीता में भी आया है। तो भगवद गीता का विचार ये केवल युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, इस प्रकार का बिलिजरेंट विंडिक्टिव मारकाट वाला हिंसा वाला ऐसा विचार नहीं है। जीवन का समूचा तत्वज्ञान भगवत गीता में आया है, हर आदमी के जीवन में उसको उपयोगी है। जैसे अपने हम बोलते हैं हम लोग लक फैक्टर, अरे ये बहुत लकी है, जो करता है वो एकदम सफल हो जाता है, या फिर
आदमी बोलता है मैं बड़ा अनलकी हूं, मैं जो भी करता हूं ना मुझे सफलता ही नहीं मिलती है। गीता क्या कहती है लक के बारे में? गीता कहती है अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। यानी कोई भी काम सफलता होने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि उस काम का बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है, मूल विचार क्या है, वो मुख्य बात। जैसे हमारे महाराष्ट्र पुलिस का लोगो है सदर रक्षणाय खल निग्रहणाय च, मतलब ये पुलिस किसके लिए है? तो अच्छे सज्जनों के रक्षण के लिए है और दुर्जनों के निर्दालन के लिए है। तो यह अधिष्ठान हो गया। फिर करण मतलब साधन। भगत सिंह का साधन था पिस्तौल और गांधी जी का साधन था चरखा, तो साधन दूसरे नंबर पे आता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम, कर्ता साधन विविधाश्च पृथक चेष्टा। फिर जो आप खटपटे करते हो, प्रयत्न करते हो, प्रयोग करते हो, उसके बाद पे आता है दैवम चैवात्र पंचमम। लक इज देयर बट लक इज ऑन द फिफ्थ प्लेस एंड वी आर वेरी क्लियर टू मैनेज लक। हाउ डू वी मैनेज लक? जैसे आपने खुद अच्छी रसोई बनाई लेकिन हो सकता है नमक डालना भूल जाते हैं, हो सकता है मिर्च ज्यादा हो गई, तो हम क्या करते हैं भगवान को चढ़ा देते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रसाद मान करके वो खाते हैं। तो वी टेक केयर ऑफ लक ऑल्सो। तो हर कदम पर अपने जीवन के भगवदगीता गाइडलाइन देती है हमको। गीता कहती है कि आकर्षक और आवश्यक ये दोनों अगर सामने आए, व्हाट डू वी चूज? नॉर्मली वी गेट टेम्पटेड टुवर्ड्स अट्रैक्टिव, बट वी मस्ट ट्रेन आवरसेल्व्स टू चूज द वन विच इज नेसेसरी। जैसे सुबह उठना और कसरत करना, ये जो करते हैं उनको भी भाता नहीं है, जो सोए रहते हैं उनको आनंद आता है और जो उठ करके भागते हैं उनको भी सोने का आनंद चाहिए, लेकिन वो दे चूज द वन विच इज नेसेसरी। तो भगवद गीता हर कदम पर अपने को मार्गदर्शन करती है। पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? भाइयों भाइयों में झगड़ा क्यों होता है? संस्थाएं टूटती क्यों है? पॉलिटिकल पार्टीज बिखरती क्यों है? डाइवोर्स क्यों होते हैं? एक ही कारण है, अहंकार। गीता कहती है कि ये सबसे बड़ा अहंकार मैं करता हूं, यही अहंकार है। अपने गुजराती में कहिए हूं करूं हूं करूं हे ज अज्ञानता शकटनो भारजन श्वानताने सृष्टि मंडाण छे सर्व एणी पेरे योगी जोगेश्वरा कोई कजाने। मतलब मैं करता हूं, मैंने किया, मेरे वजह से हुआ, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। मेरे भैया ये पृथ्वी घूमती है 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उसी कारण दिन रात होते हैं, तुम घुमाते हो क्या? ये सूरज के आजू बाजू चक्कर लगाती है 64,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उसके कारण गर्मी बरसात सर्दी होते हैं, तुम घुमाते हो क्या? नहीं, तुम खाते हो लेकिन वो हजम तुम्हारे पेट में तुम नहीं करते। ये तुम सो नहीं सकते, ये अपने आप नींद आ जाती है। तुम सांस भी नहीं ले सकते, सांस अपने आप ली जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़ गई, फिर उस मुंह में अगर आप कोई अच्छी मिठाई भी डालो तो नहीं खा सकता। तो गीता ये कहती है कि भगवान ये सब करवाता है, प्रकृति ये सब करवाती है। कर्तापन का अहंकार यही सबसे बड़ा अज्ञान है। अब ये अज्ञान जो अहंकार है उसके दो लक्षण है। वो हमेशा दूसरों के दोष देखता है। मैंने एक ओशो के पुस्तक में कथा पढ़ी, उनका एक पात्र है मुल्ला नसरुद्दीन। बोले मुल्ला नसरुद्दीन दारू पीकर घर पे आया और ताले में चाबी डालने लगा। अब नशे में धुत था तो हिल डुल रहा था, तो ताले में चाबी जाए ही ना। तो दारोगा बैठा था, उसने कहा कि मुल्ला अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें कुछ मदद करूं, इस ताले में चाबी डाल दूं। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा तुम अगर मुझे मदद करना चाहते हो तो ये मकान को पकड़ कर रखो, ये बड़ा हिल रहा है, ये अहंकार है, इसको समझना चाहिए। मैंने एक सत्संग कार्यक्रम में बहुत अच्छा एक प्रसंग सुना। बोले
हाथी का बच्चा और सुबह घास चरने के लिए निकला, तो एक चूहे के बच्चे ने बिल से देखा कि रंग तो मेरे जैसा ही है, पांव मेरे भी चार, इसके भी चार, पूंछ मुझे भी है, इसको भी है, इसके कान और मेरे कान आकार तो एक ही है, लेकिन ये इतना बड़ा है कौन? तो चूहे के बच्चे ने बिल से पूछा कि तू कौन है? तो बोले मैं हाथी का बच्चा हूं। हाथी के बच्चे ने पूछा तू कौन है? तो बोले मैं चूहे का बच्चा हूं। चूहे के बच्चे ने पूछा जिज्ञासावश तेरी उम्र कितनी है? तो हाथी का बच्चा बोला मेरी उम्र 2 महीना। फिर हाथी के बच्चे ने पूछा तेरी उम्र कितनी है? तो चूहे का बच्चा बोलता है मेरी भी वैसे तो 2 महीने है, लेकिन पिछले महीने थोड़ा बीमार हो गया था इसलिए वजन थोड़ा कम हो गया है। बोले तेरा है भी कितना, अब कम होके होगा भी कितना, अब इसके साथ कोई तुलना हो सकती है क्या? लेकिन अहंकार जो है यह मानता नहीं है। और एक भारत का धर्म सिखाता है, भारत का धर्म सिखाता है कि किसी बात को तुम इसलिए मत मानो कि किसी पुस्तक में लिखी है, किसी सत्य को इसलिए मत मानो कि कोई महापुरुष कहता है, अनुभूति लो। अर्जुन ने भी he was not intellectually convinced, he was given the experience of almighty god by krishna। अनुभूति ही प्रमाण है। विवेकानंद जी कहते थे religion is realization nothing short of it, doctrines dogmas books rituals temples images are all secondary details। तो अनुभूति को ही प्रमाण मानिए, और इसलिए अपना भारतीय धर्म ये बड़ा प्रैक्टिकल रहा। लेकिन हमने कहा कि मासेस जो है, करोड़ों जनता जो है, उसको विज्ञान समझ में नहीं आता, उसको श्रद्धा समझ में आती है। तुलसी का पौधा यह बड़ी औषधि वनस्पति है, अगर घर में रहा तो मच्छर नहीं आएंगे, बीमारी नहीं होगी, उसके पत्ते बड़े औषधि है। लेकिन औषधि है इसलिए लोग नहीं लगाएंगे। तो हमने कहा कि ये राधा है और इसको घर पे होना चाहिए, राधा कृष्ण का विवाह अपने यहां तुलसी विवाह होता है। अपने यहां दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोते, क्योंकि भारत देश उत्तर ध्रुव प्रदेश में है, उत्तरार्ध गोलार्ध में है। अगर भारत देश में उत्तर दिशा में सिर करके सोए तो दक्षिण दिशा में पैर हो गए, तो उत्तर ध्रुव इतने जोर से भारत को खींच रहा है कि अपने शरीर के जो लोह कण अपने खून में, वो अपने ब्रेन वेंस में जा सकते हैं, जो एक बाल की तरह पतली वेंस में अगर अपने शरीर के खून में रहने वाले सारे लोहकण आकर्षित हो गए तो आदमी को हेमरेज हो सकता है। लेकिन ये हेमरेज होना, ये चुंबकत्व पृथ्वी का, ये जनसामान्य नहीं समझ सकते। इसलिए क्या कहा, दक्षिण दिशा में पैर मत कीजिए क्योंकि वहां नरक है। तो अपने यहां पुराण इसलिए आया कि लोग विज्ञान नहीं समझ सकते। इसलिए गीता ने कहा कि जब तक अनुभूति नहीं हो तब तक प्रयास चालू रखो, तब तक श्रद्धा रखो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर शेर जिन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया। भगवान सबके दिल में बसता है, लेकिन उसकी माया सर्वत्र व्याप्त होने के कारण उसकी अनुभूति नहीं होती। अनुभूति करना यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य पैसे कमाना नहीं है, मकान बांधना नहीं है, ये तो आवश्यकता है। योर नेसेसिटीज कैनॉट बी द एम ऑफ योर लाइफ, एम ऑफ लाइफ इज रियलाइजेशन। सम पार्ट ऑफ द लाइफ शुड बी स्पेंट फॉर अर्निंग नेसेसिटीज, बट इट कैनॉट बी द होल लाइफ। इसलिए गीता कहती है कि श्रद्धा रखो, प्रयास करते रहो, और उस प्रयास के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति हो जाए। अब ये गीता का तत्व ज्ञान अगर भारत अपनाता है और दुनिया को देता है, तो आज के दहशतवाद के समस्या पर भी यही उत्तर है। दहशतवाद होता क्यों है? कि मेरी बात को आप मानिए नहीं तो मैं आपको उड़ा दूंगा, ये दहशतवाद है और क्या है? गीता का धर्म यह कहता है कि सभी ईश्वर के तरफ जाने वाले मार्ग समान है और सभी को एक दूसरे का आदर करना चाहिए, ये उत्तर है। इकोलॉजिकल डिसरप्शन हो रहा है, पर्यावरण का विनाश हो रहा है। भगवद गीता क्या कहती है कि आदमी ये पूरी सृष्टि का हिस्सा है, इसलिए आदमी के अधिकार नहीं है, कर्तव्य है। पृथ्वी का, सृष्टि का शोषण नहीं पर दोहन करना चाहिए।
तो इसी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगी, इसी से बायोडाइवर्सिटी रहेगी और इसी से पर्यावरण का विनाश बचेगा। गीता के माध्यम से पूरी दुनिया को हम लोग योग के माध्यम से जोड़ सकते हैं। गीता कहती है कि योगः कर्मसु कौशलम्। जो काम आप करते हो उस काम को अधिक अधिक कौशल्य पूर्वक करो, वही योग है। यू नीड नॉट स्पेयर टाइम फॉर रिचुअल्स। आप अगर एक चिट्ठी लिख रहे हो तो उसमें कोई छेकछाक नहीं हो तो वो योग है। आप चाय बना रहे हो तो इतनी बढ़िया बन गई कि पीने वाला खुश हो गया, वो योग है। आपने कपड़े को प्रेस की तो एक भी सलवट बाकी नहीं रही, तो योग है। आप कार बढ़िया चलाते हो तो योग है। तो आप हर काम दिल से करो, मन लगा के करो, क्वालिटेटिव करो, तो योग है। अब ऐसे बहुत सारे सिद्धांत गीता ने कहे हैं। मैंने उस पर एक पुस्तक लिखी है, भगवत गीता विद्यार्थी माटे, ये गुजराती में है। भगवत गीता सबके लिए, ये हिंदी में है। और अपनी लोकसभा की माजी स्पीकर सुमित्राताई महाजन, उन्होंने उसके लिए प्रस्तावना लिख के दी है। उद्देश्य यही है कि भारतीय व्यक्ति गीता को समझना शुरू कर दे, पढ़ना शुरू कर दे। संस्कृत में है लेकिन अगर हम लोग उसमें उतरते हैं तो गीता माँ है, और माँ जैसे बच्चों को उंगली पकड़ करके स्कूल ले जाती है, वैसे गीता अपने को रास्ता दिखाती है। इसलिए भारतीय व्यक्ति उसको पहले समझे, आसान भाषा में समझे। अगर आप यूट्यूब खोलोगे तो देखोगे कनाडा में स्कूल के बच्चे संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम ऐसे श्लोक बोल रहे हैं। ब्रिटेन के बच्चे समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस चित्तमेषां ऐसे वेद मंत्र बोल रहे हैं। जर्मनी में संस्कृत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, पूरी दुनिया संस्कृत का अध्ययन कर रही है क्योंकि संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए संस्कृत सबसे श्रेष्ठ भाषा है। तो भारत की ही विरासत पाश्चिमात्य जगत सीख करके भारत को सिखाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए ये भगवद गीता, इसमें कहीं हिंदू शब्द नहीं है, ये केवल हिंदुओं की नहीं है, ये सभी की है। जिंदगी को जीने के शाश्वत नियम जो भारतीय लोगों ने खोज के निकाले, उसमें से एक भगवद गीता है। और इसलिए उसको हम लोग योग के अर्थ में समझे। हम लोग फूल चढ़ा देते हैं, चावल चढ़ा देते हैं, कुंकू चढ़ा देते हैं, सिर नमा देते हैं और उस पर रुक जाते हैं। थोड़ा उतरे, गहरा उतरे, उसको समझने की कोशिश करे तो पूरी दुनिया के सब व्यक्ति के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और ग्लोबल सारे समस्याओं का समाधान भगवद गीता दे सकती है। और इसलिए इस वेबिनार के माध्यम से आप सब लोगों को जुड़ने का, बात करने का, अपनी बात रखने का मौका मुझे मिला, मैं बहुत खुश हूं। अब ये केवल यूनिडायरेक्शनल तो नहीं हो सकता है, सुनने वालों के मन में प्रश्न शंकाएं जगती है, इसलिए मैंने ऐसे सोचा कि अपनी बात को एक 60% समय में रखें और 40% समय थोड़ा प्रश्नोत्तरी के लिए रखा जाए। तो जो मूलभूत सिद्धांत है, जो बेसिक गाइडलाइन है, मैंने आपके सामने रखी है। लगभग 50 मिनट मेरे अंदाज से मैंने सारा विषय रखा है। अब इसको हम लोग चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। आप में से जिनको सवाल पूछने हो, आदर चैट बॉक्स में या फिर जो संचालक मार्गदर्शन करते हैं उसके अनुसार हम लोग सवाल पूछेंगे और चर्चा के माध्यम से अब इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले अमरोली कॉलेज, हमारे मित्र किशोर सिंह जी चावड़ा और इस वेबिनार टीम के सबको हृदयपूर्वक धन्यवाद देकर के मैं इस विषय का भाषण समाप्त करता हूं। थैंक यू विनय सर, आपके पूरे लेक्चर के दौरान मतलब गीता में जितना भी सिखाया था वो पूरा आपके सेशन में कवर हो चुका था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द ट्रेमेंडस सेशन। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग डॉक्टर चिराग सर फॉर क्वेश्चंस। पार्टिसिपेंट के थोड़े क्वेश्चन है सर, तो ये चिराग सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी सर, हम एजुकेशन से ही बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन रिलेटेड ही क्वेश्चन लेते हैं। आपने जिस तरीके से कहा और सबको पता है कि मतलब भगवद गीता किसी भी रिलीजन के लिए नहीं है, सबके लिए है, फिर भी आज के टाइम पे एजुकेशन सिलेबस जो भी बनता है या तो जो एजुकेशन करिकुलम है उसमें से गीता
गीता का मतलब बहुत ही कम उसको सिलेबस में या तो फिर एजुकेशन में डाला जाता है। इतने सालों के एजुकेशन के बाद भी स्टूडेंट को गीता के बारे में या तो उसके अध्याय के बारे में, श्लोक के बारे में नहीं पता लगता। और जैसे आपने कहा कि मतलब जो फॉरेन कल्चर्स है वहां पे संस्कृत को माना जाता है, अभी संस्कृत वहां पे डेवलप हो रहा है, जबकि इंडिया से, भारत से वो संस्कृत लुप्त हो रहा है, तो उसको किस तरीके से बचाया जा सके? दो विषय थोड़े समांतर है, एक संस्कृत का है, दूसरा भगवद गीता का है। जब गीता सुनाई गई उस समय संस्कृत भाषा ही चलती थी ज्यादातर, इसलिए गीता संस्कृत में है। और संस्कृत में ऐसे हुआ कि केवल श्लोक और साहित्य ही ज्यादा रहा, बोली भाषा नहीं हुई। जैसे गुजराती भाषा भी साहित्य की भाषा एक अलग ऊंचाई वाली भाषा होती है, लेकिन बोलने चलने की इतनी सुरती भाषा वो एक अलग भाषा है। तो संस्कृत को बोली भाषा बनाने के लिए संस्कृत भारती नाम की एक संस्था काम करती है, और उसने अपने भारत देश में 6 गांव ऐसे बनाए कि जिसमें किसान, घर की महिला, दुकान वाला, रास्ता साफ करने वाला, झाड़ू वाला भी संस्कृत में बोलता है। तो ये हो सकता है, अगर गोरे लोग बोल सकते हैं तो हम तो बोल ही सकते हैं, लेकिन उसको बोलने का अभ्यास होना चाहिए। अपने गुजरात के खेड़ा जिले के, सूरत जिले के लोग इंग्लैंड अमेरिका चले जाते हैं, 10वीं फेल होने के बाद भी वहां की अंग्रेजी भाषा सीख लेते हैं। तो जितना कान पर आता है उतना आदमी सीखता है, तो ये एक चीज है। दूसरा विषय भगवद गीता का है, तो गीता अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए जहां जहां हम लोग संभवतः उसको कर सकते हैं। अपने देश में ऐसे हुआ कि हिंदू को हमने धर्म समझा, अब ये धर्म नहीं है, हिंदू अपने देश का नाम है, हिंदू अपने धर्म का नाम नहीं है। इसलिए वो कंफ्यूजन ऐसे हो गया कि गीता हिंदुओं की है, मतलब वो मुसलमानों की नहीं है, वो क्रिश्चियनों की नहीं है। ना भैया, गीता भारत की है, क्योंकि भारत का नाम हिंदुस्तान है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन रहने के कारण कुछ लोगों को लगता है कि ये धार्मिक पुस्तक हो गई, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ठीक है, जो लौकिक अर्थ से भी अपने आप को हिंदू मानते हैं, कम से कम वो शुरू कर सकते हैं, थोड़ा औपचारिक नहीं तो अनौपचारिक शुरू कर सकते हैं। शिक्षा के लिए गीता ने कहा कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सत्वदर्शन। ये विद्यार्थी के लिए गाइडलाइन है कि आप शिक्षकों को प्रणिपात कीजिए, मतलब नमस्कार करिए, सेवा करिए, मतलब विनम्र रहिए, और फिर प्रश्न पूछिए तो आपको ज्ञान प्राप्ति होगी। अब आज के जमाने में विद्यार्थी और प्रोफेसर्स, इनके संबंध ये गुरु शिष्य के नहीं रहे हैं, तो गीता ये गाइडलाइन करती है। गीता शिक्षा का उद्देश्य भी बताती है कि शिक्षा का उद्देश्य आदमी को अच्छा आदमी बनाना, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज द मेन कॉज, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मैन। तो आज तो ऐसे हो गया है ऑनलाइन के बाद में कि गूगल सारा ज्ञान उपलब्ध है, सो आइदर इंफॉर्मेशन और नॉलेज इज इंपॉर्टेड बाय गूगल रादर देन योर टीचर, देन व्हाट टीचर हैज टू डू, टीचर हैज टू कार्व द पर्सनैलिटी एंड नरिश द कैरेक्टर, ये भगवद गीता सिखाती है। तो आज ना कल ये आएगा, आना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है। आगे चलते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गीता में ऐसा कहा कि पहले कर्म आता है और फिर फल आता है, तो अभी करंट सिचुएशन में हम देखें तो बहुत सारे यंगस्टर में ये चीज देखने को मिलती है कि फल ही चाहिए, हमें कर्म नहीं करना है। तो इसके लिए हम ये यूथ को कैसे गाइड करें? हाँ, अब इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये इनबिल्ट है। अब यूथ जो है उसको ये समझाना पड़ेगा कि बाहर से जो दिखता है और अंदर से जो है उसके अर्थ को समझाना पड़ेगा। जैसे बहुत अच्छा मैंने अभी पढ़ा एक जगह कि फिल्म में जो काम करते हैं उनको एंटरटेनर कहना चाहिए, दे आर नॉट हीरोज, हीरोज आर अवर सोल्जर्स आर फाइटिंग ऑन द बॉर्डर। तो वो तो रोल किया है, अक्षय कुमार ने रोल किया, नाना पाटेकर ने रोल किया, हेमा मालिनी ने मीराबाई का रोल किया, हेमा मालिनी इज नॉट मीराबाई। तो ये डिफरेंस समझाना पड़ेगा। तो कपड़े अच्छे पहनना, गॉगल अच्छा लगाना, शूज महंगे खरीदना, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपना शरीर को सुदृढ़ बनाना, ये गाइडलाइन देनी पड़ेगी। तो फल भी प्राप्त करना है, तो पेड़ को आम लगना है तो उसके मूल को पानी देना, खाद देना, ये करना पड़ता है, डायरेक्ट आम नहीं लगेंगे, ये समझाना पड़ेगा। और जो गुणवत्ता वाली चीज है वो साधना से ही अर्जित हो जाएगी। पांडुरंग शास्त्री आठवले कहते थे कि टीबी पेशेंट के बाजू में बैठने से टीबी हो सकता है, लेकिन पहलवान के बाजू में बैठने से तुम पहलवान नहीं हो जाओगे।
अच्छी चीज अर्जित करनी पड़ती है। तो ये यूथ को समझाना पड़ेगा कि आज अमिताभ बच्चन भी श्रेष्ठ कलाकार इसलिए है कि उसने परिश्रम किया, सचिन तेंदुलकर बेस्ट बैट्समैन इसलिए बना कि उसने परिश्रम किया, तो परिश्रम के माध्यम से प्रावीण्य मिलता है ये समझाना पड़ेगा, बाकी नकल करने से नहीं मिलेगा ये समझाना पड़ेगा। मयंक सर, विनय सर, थोड़े क्वेश्चन और भी आए हैं ड्यूरिंग जब मयंक सर वोट ऑफ थैंक्स कर रहे थे, पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हमारे साथ, तो एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि जो प्राचीन गुरुकुल प्रणाली थी जहां पर जो शिक्षा लेते थे स्टूडेंट वो और करंट सिचुएशन, ये में इसमें बहुत गैप दिख रहा है, तो इसमें अभी क्या हो सकता है? मतलब वहां पर स्टूडेंट फिजिकली फील्ड में काम करते थे, अभी क्लासरूम में डिजिटली पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों में कैसे गैप होगा और बच्चे, मतलब इसमें से कौन सा बेस्ट सिस्टम था सर, ये एक क्वेश्चन आया है। उसमें इस समय के लिए वो बेस्ट था, आज के लिए जो हमको बेस्ट लगता है हमने स्वीकार किया है। एक मूल बात ऐसी है कि इंफॉर्मेशन एंड इंस्पिरेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड द एजुकेशन इम्प्लाइज इंस्पिरेशन नॉट इंफॉर्मेशन, बिकॉज इंफॉर्मेशन वॉज ऑल्सो गेटिंग फ्रॉम टीचर्स इन प्रीवियस टाइम्स। पहले ऐसे था कि सारी चीजें शिक्षक ही पढ़ाते थे, यानी पृथ्वी गोल है ये शिक्षक ने बताया तो विद्यार्थी को पता चला। आज ऐसा है कि गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का उपयोग कैसे करना, जैसे द नॉलेज विच गिव्स यू द डिटेल ऑफ कैंसर स्प्रेड इज द सेम नॉलेज दैट ऑफ सोनोग्राफी विच इज अप्लाइड इफ अप्लाइड रॉन्गली टू फाइंड आउट द फोटस वेदर इट इज मेल और फीमेल एंड टू अबॉर्ट इट। तो टेक्नोलॉजी तो वही है, तंत्रज्ञान वही है, मतलब अणु विस्फोट और अणु विद्युत, इसमें बहुत फर्क नहीं है। एवरी एटॉमिक रिएक्टर इज ए सटल एटम बॉम्ब, तो हाउ टू यूज इट नीड्स डिस्क्रिमिनेशन, नीड्स विवेक। तो ये विवेक देना शिक्षा का काम है, तो ये विवेक आज के भी माध्यम से कैसे दिया जा सकता है? आज तो ऑनलाइन चल रहा है, बट दैट इज नॉट द अल्टरनेटिव। आदमी आदमी से मिलना उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा धीरे धीरे, और प्रोफेसर्स को इस प्रकार का तैयार करना पड़ेगा कि उनको विद्यार्थी के साथ एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप बनानी चाहिए। IITs में प्रोफेसर्स को विद्यार्थी को घर पर बुलाकर चाय पिलाना और बिस्किट खिलाना, उसके लिए अलग से फंड्स मिलता है ताकि वो विद्यार्थी के साथ जुड़ सके और शिक्षा का अपना भूमिका योग्य ढंग से अदा कर सके। उस समय जनसंख्या कम थी, अपने देश में शिक्षा और स्वास्थ्य ये कभी फी देकर के खरीदने वाली बात नहीं थी। आज भी देखिए गांव में आप जाकर के व्यारा सोनगढ़ गांव में, वहां के आदिवासी बुआ बाबा ऐसे हैं जो आपकी टूटी हुई हड्डी जोड़ देंगे, लेकिन एक 5 रुपए भी नहीं मांगेंगे, आप हनुमान जी के सामने जो रखना है रख दो। तो शिक्षा और स्वास्थ्य अपने देश में कभी पैसे कमाई का माध्यम नहीं था, लेकिन आज वो व्यवहारिक नहीं है। कॉलेज में जाना है तो फी भरनी है, प्रोफेसर को सैलरी देनी है, तो आज उसके गुणवत्ता को कैसे लाया जाए, तो इस पर सोच विचार चिंतन होना चाहिए। ये आपकी बात सही है। थैंक यू सर। और भी 2-3 क्वेश्चन है सर। ये मोक्ष जो मिलता है उसमें गीता में मोक्ष के लिए क्या कहा गया है, ये एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि हमें मोक्ष कैसे मिल सकता है। अच्छा, मोक्ष ये जीवन का उद्देश्य है। गीता का ऐसे मानना है कि आदमी की आत्मा परमात्मा से अलग होकर के अलग अलग शरीरों को धारण करते हुए और अपने कार्मिक डेप्थ को चुका करके उसमें से मुक्त हो जाती है, तो फिर से परमात्मा से जुड़ जाती है। जब आदमी की आत्मा मतलब मनुष्य शरीर में है तब यह मौका आता है, क्योंकि बाकी जीवन में पक्षी के हो, वनस्पति के हो या प्राणी के हो, उसको ये अपने आप को उन्नत करने का मौका नहीं है। आदमी के शरीर में है तभी उन्नत करने का मौका है। तो धर्म के नियमों का पालन करके अपने आप को उस स्थिति में पहुंचाना कि आदमी पूरी सृष्टि के साथ अपने आप को एकाकार कर ले, तो उसको मोक्ष कहते हैं। हम लोग अपनी फैमिली के साथ एकाकार रहते हैं, बहुत बहुत तो अपनी ज्ञाति के साथ एकाकार हो जाते हैं, अधिकाधिक नेशनलिटी तक अपनी लाइन पहुंचती है, उसके परे जाकर के ह्यूमैनिटी, उसके भी परे जाकर के द होल नेचर, वहां तक आदमी एकाकार हो जाए तो फिर उसके लिए कुछ पराया नहीं रहता है, वो सारी सृष्टि के साथ एक हो जाता है। एक पेड़ का पत्ता भी टूटता है तो उसको दर्द होता है, ये स्थिति आ गई तो उसमें फिर आदमी को मोक्ष हो गया, ऐसे कहा जा सकता है। थैंक यू सर। सर, एक पूर्वी पटेल मैडम ने पूछा है कि 14 ईयर ओल्ड उनका किड है,
तो उनको पढ़ाने के लिए गीता का कौन सा वर्जन, मतलब कौन सी बुक मार्केट में अलग अलग गीता की बुक अवेलेबल है, तो गुजराती में गीता पढ़ाने के लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम उनको पढ़ा सके, 14 ईयर एज है उसे। पर हम गीता के 700 जो श्लोक है ना वो तो सब जगह उपलब्ध है, जैसे गीता प्रेस का हो या कोई भी पुस्तक आप लो वो संस्कृत में है, लेकिन आपका सवाल यह है कि उसको गुजराती भाषा का भाषांतर उसमें से कौन सी पुस्तक चलेगी, तो पांडुरंग शास्त्री की है गीतामृतम, वो सबसे अच्छी पुस्तक है। विनोबा भावे के गीता प्रवचन पर पुस्तक है वो पढ़ने जैसी है। पांडुरंग शास्त्री जी ने ही तुलसी दल और बिल्व पत्र नाम के दो पुस्तक भक्ति के लक्षण, मतलब भक्ति योग और लक्षण इस पर लिखे वो पढ़ने जैसा है। लोकमान्य तिलक जी की पुस्तक है गीते, तो 14 साल के बच्चे को वो मत दीजिए। विनोबा भावे की और पांडुरंग शास्त्री की पुस्तक, और थोड़ी इस्कॉन ने प्रकाशित की है गीता तेना मूल रूपे, वो भी पुस्तक थोड़ा बच्चा समझदार होने के बाद वो पुस्तक भी देने जैसी है। थैंक यू सर। सर घनश्याम भाई ऐसा पूछ रहे हैं कि व्हाट इज धर्म अकॉर्डिंग टू गीता, धर्म क्या है? धर्म गीता के अनुसार जो मनुष्य और सृष्टि की धारणा करने के लिए जो नियम बनाए गए उसको धर्म कहा गया। जैसे अपने यहाँ धर्मार्थ दवाखाना होता है, तो उस दवाखाने में कहीं गीता रामायण महाभारत भगवान के फोटो आरती पूजा नहीं होता है, दवाखाने में तो दवा ही दी जाती है, लेकिन धर्मार्थ का मतलब यह है कि जो मेरे लिए नहीं, विच इज नॉट फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट। धर्म काटा होता है या धर्मशाला होती है, मतलब जहां तीर्थ क्षेत्र है वहां धर्मशाला, तो वहां भी कोई धार्मिक कुछ नहीं चलता है। धर्मशाला मतलब वहां यात्रियों के रहने की व्यवस्था जिसके उनको पैसे नहीं देने पड़े, तो जो निस्वार्थ भावना से काम किया गया उसको धर्म कहा गया अपने यहाँ, और जिसने धारणा की उसको धर्म कहा गया अपने यहाँ, और जो स्वभाव है उसको भी धर्म कहा गया। जैसे आप पड़ोसी के घर में शादी हो और दौड़धाम करके मदद करो और वो आपको धन्यवाद कहे, तो आप कहोगे कि अरे ये तो मेरा धर्म था। तो कर्तव्य को धर्म के माध्यम से अपने यहाँ व्यक्त किया गया। तो ये सारे धर्म के अलग अलग आयाम है, इसमें कोई पूजा पद्धति का उल्लेख नहीं है। हमारी गलती वही हो गई, हमने कहा कि ये इस्लाम एक धर्म है, ये क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, ये हिंदू धर्म है, वास्तविक तो मनुष्यता धर्म है, सेवक धर्म है, पुत्र धर्म है, पिता धर्म है, प्रजा धर्म है, राजा धर्म है, ये सबको अप्लीकेबल है। ये धर्म शब्दों को हमने पूजा पद्धति से जोड़ दिया, ये सबसे बड़ी गलती हो गई। ये गलती को दूर करना, मतलब सत्य कोई असत्य को सत्य कहे तो मतलब वो असत्य सत्य नहीं हो जाता। तो धर्म का जो अपने यहाँ विचार हुआ है वो रिलीजन से भी बहुत गहरा, बहुत चौड़ा इस प्रकार से है, लेकिन उनको समानार्थी शब्द इस नाते से लेने से ये सारा कंफ्यूजन पैदा हो गया। जैसे सर आपके सेशन में से अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं पार्टिसिपेंट के, एक प्रवीण भाई का भी क्वेश्चन है कि सर एक कोट है कबीर जी का, बिन गुरु मुक्त न पावे कोई, उन्होंने कोट भेजा है कि बिन गुरु मुक्त न पावे कोई, तो ऐसे गीता जी में गुरु कौन है और मतलब गुरु की डेफिनेशन क्या है और वो कहां से डिफाइन हो सकता है, एक गुरु का कर्तव्य पूछ रहे हैं। इसमें आदमी का स्वभाव कैसा है, जैसे मुझे डॉक्टर चाहिए तो मैं एलोपैथी चूज कर सकता हूँ, होम्योपैथी चूज कर सकता हूँ, आयुर्वेद चूज कर सकता हूँ, और डॉक्टर मुझे जांच करके मुझे दवा देता है। गुरु मतलब जो मुझे जांच कर सकता है, मुझे कितना कर्मयोग चाहिए, ज्ञान योग कितना चाहिए, भक्ति योग कितना चाहिए, मेरा स्वभाव क्या है, मेरी अब तक की यात्रा कहाँ तक आई है और मुझे कहाँ आगे ले जाना है, जो मैं नहीं जानता। जैसे मैं सूरत में आया तो मैं जानता नहीं अमरेली कहाँ है, तो मैं किसी को पूछूंगा तो वो मेरा गुरु हो गया, क्योंकि उसने मुझे जो मालूम नहीं वो बताया, उसके बताने के बाद मैं उसको थैंक यू कहूंगा तो वो गुरुदक्षिणा हो गई क्योंकि मैंने उसको धन्यवाद दे दिया। तो ये गुरु जो है जो मुझे जानता है और वहां का जानता है, जो मध्यस्थ है, मतलब जो मेरा हाथ पकड़ करके मुझे वहां तक पहुंचाता है जहां मुझे जाना चाहिए, जो मेरे जीवन का उद्देश्य है, उसको गुरु गीता में कहा है। गीता में तो उसमें गुरु है। थैंक सर। सर हिनल बेन का एक क्वेश्चन है कि जीवन क्या है, मतलब हम जीवन ऐसे हो कि हम भव्यता भोगे या भोग विलास या कुछ ऐसा फाइनेंस या एक बड़ी लाइफ जीने के लिए, बट एक्चुअल लाइफ क्या है अकॉर्डिंग टू गीता? एक्चुअल लाइफ वो भी है, मतलब इन सारी चीजों को भारतीय धर्म ने कभी
नहीं है, इसलिए चारों चीजें बताइए कि अर्थ ये भी पुरुषार्थ है, पैसा कमाना ही चाहिए, उसमें कभी नकारा नहीं है। कामना मतलब डिजायर, उसको भी मान्य किया है क्योंकि कामना है तो ही तो हम लोग प्रगति करते हैं ना। कामना है, सुबह उठ करके रात तक आदमी जो काम करता है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सृष्टि तभी चलती है, सृष्टि तभी चलती है। इसलिए अर्थ और काम ये दोनों जीवन की आवश्यकता है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। जैसे पेट्रोल पंप पर जाना ये अपने मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, लेकिन पेट्रोल पंप पर जाने के लिए मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल तो पेट्रोल डालने के बाद में घुमाने के लिए। चार्जिंग ये अपने मोबाइल की आवश्यकता है, लेकिन चार्जिंग मोबाइल का उद्देश्य नहीं है। मोबाइल का उद्देश्य तो कॉल करना, मैसेज देना, व्हाट्सएप करना, वो है। तो वैसे जीवन का उद्देश्य है धर्म और मोक्ष, और जीवन की आवश्यकता है अर्थ और काम, और ये चारों का मिलकर के परिपूर्ण जीवन, ऐसा अपने यहाँ कहा। ठीक है, थैंक यू सर। एक करिश्मा बेन का क्वेश्चन है कि सर हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये न चाहते हुए भी बार बार आ जाता है, तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? नहीं, ये शुरुआत है, देखिए इसी में से निकलता है सारा। देखिए अगर बीज नहीं टूटेगा तो नया अंकुर नहीं निकलेगा, तो नारियल नहीं फूटेगा तो अंदर का जो कोपरा है वो खाने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये चीजें त्याज्य नहीं है, ये चीजें उसका एक हिस्सा ही है जिसको हमको लांग करके जाना है, पार करके जाना है। इसलिए ये जैसे माँ को मोह नहीं हो बेटे के बारे में तो माँ इतने कष्ट नहीं सहन करेगी, माँ क्यों रात को उजागरा करेगी, माँ क्यों उसका गंदा साफ करेगी। तो ये मोह ये गलत नहीं है, अहंकार भी गलत नहीं है। देखिए मेरा पैर आपको छू जाता है तो आपको गुस्सा आता है, मैं कहता हूँ सॉरी सॉरी तो आप फिर वो छोड़ देते हो, यू आर प्रिपेयर टू कॉम्प्रोमाइज अ बिट। तो ये अहंकार भी बुरा नहीं है, आपने मुझे मदद की मैं थैंक यू कहता हूं तो आपको अच्छा लगता है, ये अच्छा लगना है ये अहंकार के कारण, तो ये बुरा नहीं है। तो जैसे सांस लेना ये बुरा नहीं है, ये आवश्यकता है। तो वैसे ये सारी चीजें, इवन क्रोध, आपको अगर क्रोध ही नहीं आए तो आप घर ही नहीं चला सकते हो। तो इसको नकारात्मक न लेकर के इससे ऊपर उठना, इसको स्वीकार करना और ऊपर उठना, इस दिशा में अपने आपको ले जाना चाहिए। काम बुरा नहीं है, सेक्स इज नॉट रॉन्ग, सेक्स इज नेचुरल, बट अंडरस्टैंड इट, डोंट जस्ट स्टिक ओवर देयर, गो अहेड, सब्लिमेट इट, दैट इज द बेसिक कॉज ऑफ जनरेशन, उसके अलावा जनरेशन कैसे होगा। तो ये बुरा नहीं है, ये जिंदगी है, लेकिन ये रास्ता है। आपको सूरत छोड़ना है और बड़ौदा जाना है तो सूरत बुरा नहीं है, लेकिन सूरत होकर के रास्ता गुजरता है। थैंक यू सर। एक ब्रिजेश भाई का क्वेश्चन है कि सर मन न चाहते हुए भी भटक जाता है, हम कहीं पर कॉन्सेंट्रेट करने बैठते हैं फिर भी माइंड में से वाइब्स आते हैं कि हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, तो उसके लिए गीता में कुछ मार्गदर्शन है माइंड के लिए? हाँ, ये है। इसमें अर्जुन ने कृष्ण को पूछा कि चंचलम ही मनक कृष्ण परमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्य वायोरिव सुदुष्करम। यानी मेरा मन चंचल है, कहते हैं कि मर्कटस्य सुरापानम मध्य वृश्चिक दंशनम, पहले तो बंदर है वांद्रो, फिर उसने दारू पी, फिर उसको बिच्छू ने दंश किया, बिच्छू ने दंश किया, तो कैसे करेगा। वैसे अपना मन है तो उसको कंट्रोल करना मतलब वायु को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है, ऐसे अर्जुन ने कृष्ण को कहा। तो इसके जवाब में कृष्ण कहते कि यू आर राइट, असंशयम महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम, विदाउट एनी डाउट योर माइंड इज वेरी क्या कहेंगे उसको, चंचल है तुम्हारा मन बहुत। तो अभ्यास तो कौनती है वैराग्य चुग्रुजियते, दो चीजें कृष्ण ने बताई है, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। अब मन का यह दूसरा भी प्लस पॉइंट ऐसा है कि उसको आदत लग जाती है। विपश्यना क्या है, आदत लगाओ, बस सांस पर लाओ मन को, भटक गई गुस्सा मत करो, फिर से सांस पर लाओ, फिर से भटक गई कोई चिंता नहीं, फिर से सांस पर लाओ, धीरे धीरे मन सांस पर टिकती है। तो मन का स्वभाव है उसको आदत लगती है, तो उसको भी प्रैक्टिस कहा है, उसी को अभ्यास कहा है। और डिटैचमेंट, जस्ट फोकस ऑन योर डेथ, इट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। ये मैं ग्रेजुएट हो गया, मुझे नौकरी लग गई, मेरी शादी हो गई, ये मेरा मकान है, दीज आर ऑल लिमिटेड ट्रुथ, द अल्टीमेट ट्रुथ इज डेथ। जस्ट रिमेंबर योर डेथ डेली एंड दैट विल क्रिएट अ रियल डिटैचमेंट। मैं मुंह मोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उसको गहराई से समझने के लिए कहता हूं। तो इसको गहराई से समझने से वी वोंट गेट एंटेंगल्ड इन ऑल दी स्मॉल थिंग्स। समबडी प्रेसेस योर बटन यू गेट एंग्री, समबडी प्रेसेस अनदर बटन यू गेट हैप्पी, सो यू आर ए स्लेव इन डीप काइंड ऑफ इट। सो डोंट बी ए स्लेव, बी ए मास्टर ऑफ योरसेल्फ। टू बी ए मास्टर ऑफ योरसेल्फ यू शुड हैव
सब्जुकेटेड योर माइंड, दैट्स व्हाट गीता सेज, कि अभ्यास और वैराग्य दोनों से आपको मन पर अपने असाधारण संयम आ जाएगा और उत्तम जिंदगी के आनंद खुलेंगे। न तो कोई एक दिन भर कमेंट कर देता है तो अपना पूरा दिन खराब हो जाए, मूड खराब हो गया, मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया मैं, क्यों? क्योंकि अपना मन संयम में नहीं है। तो यह गीता कहती है कि अभ्यास और वैराग्य दोनों के माध्यम से मन आपका आपके कंट्रोल में आ जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, जिग्नेश भाई का एक क्वेश्चन है कि आध्यात्मिकता क्या है, गीता में आध्यात्मिकता के लिए क्या कहा गया है, स्पिरिचुअलिज्म? इसमें आदमी अपने आप को अपने शरीर तक मर्यादित मानता है, लेकिन वो मन से अपने परिवार के साथ जुड़ा है, उस जुड़ाव को वो अपने देश तक बढ़ाता है, परिवार के बाद ज्ञाति, भाषा, धर्म और फिर देश। वही अगर जुड़ाव हमारा पूरी मानवता के साथ हो गया, पूरी सृष्टि के साथ हो गया, सारे प्राणियों के साथ हो गया, तो उसी को योग कहेंगे। उस प्रकार का स्वभाव बनाने की प्रक्रिया को आध्यात्मिकता हम कहेंगे। आध्यात्मिकता मतलब कौन से मंदिर में गया, तिलक कैसे लगाया और कपड़े कैसे पहने, कितनी माला की, ये सारे रिचुअल्स है, कर्मकांड है, ये बुरा नहीं है, लेकिन ये सारे साधन है। फिर से ये डिफरेंस को समझेंगे, साधन ये साध्य नहीं है, व्हीकल ये अलग, ये सारे व्हीकल्स है। मतलब मैं मेरी स्कूटर लेकर के आपके घर आता हूँ तो आपके घर आना ज्यादा महत्वपूर्ण, मैं स्कूटर पे आया या चल के आया या साइकिल पे आया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो आध्यात्मिकता ये साध्य है, ये लक्ष्य है। कौन से धर्म का मैं अवलंब करता हूँ, कौन सी पुस्तक पढ़ता हूँ, कौन से महाराज को मानता हूँ, ये सारे व्हीकल्स है, ये सारे मार्ग है। तो आध्यात्मिकता अपने मन को उस स्तर पर ले जाना, शुरुआत तो करते हैं, अभी तो अपना मन बहुत बहुत तो अपने फैमिली तक जाता है, उसमें भी झगड़े कर लेते हैं, धीरे धीरे अपने यहाँ उसके सीढ़ियां बनाए कि चलो यार कास्ट तक तो उसको लंबा करो कि मैं पटेल हूँ, चलो सब पटेल से मैं जुड़ गया, मैं मराठी हूँ तो सारे महाराष्ट्रियन से मैं जुड़ गया, मैं ब्राह्मण हूँ तो सारे ब्राह्मणों से जुड़ गया, मैं भारतीय हूँ तो चलो सब पूरे भारतीयों से, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद ऑल इंडियंस, 1.3 बिलियन इंडियंस। धीरे धीरे मैं अपने आप को पूरी सृष्टि की सारी मानवता से और सारे पंछी प्राणी वनस्पति से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दूं, तो धीरे धीरे मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी। इस दिशा में अपने मन को ले जाना, उसको आध्यात्मिकता कहेंगे। एक और क्वेश्चन है, इसके बाद हम ये सेशन ओवर करेंगे। एक कविशा पटेल पूछ रहे हैं कि एक ह्यूमन नेचर में, ह्यूमन माइंड में सबसे पहले नेगेटिव थिंक ही क्यों आते हैं? हाँ, क्योंकि पृथ्वी जैसे नीचे खींचती है नीचे, वैसे निगेटिविटी आदमी को खींचती है। आदमी का उन्नयन हुआ है प्राणी से, पहले तो जीव जन्मा पानी में अमीबा, फिर उसकी मछली बनी, फिर उसका कछुआ बना, फिर उसमें से अर्ध मानव अर्ध प्राणी बना। अपने यहाँ जो अवतार दर्शन है, मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध कल्कि, तो ये इस प्रकार से एलिवेशन आया है नीचे से। तो अपना मूल स्वभाव रहा है प्राणी का, और इसलिए नकारात्मकता उसका स्वभाव बन गया। अपने आप को शरीर के साथ आइडेंटिफाई करने से मृत्यु का डर उसमें आ गया, मृत्यु के डर में सारे अलग अलग प्रकार के डर आ गए, और इसलिए बच्चा शाम को स्कूल से घर पर नहीं लौटता है तो माँ को डर लगता है कि क्या हो गया। तो ये डर इसलिए है कि जीवन की चिरंतनता का अनुभूति अनुभव नहीं है, अपने आप की आत्मा की पहचान नहीं है, इसी के लिए सारा अध्यात्म है। एक बार आदमी उस डर से परे निकल जाए तो जिंदगी का वास्तविक आनंद ले सकता है, और इसलिए अध्यात्म है।